वर्ष मास के पावन पर्व अवसर पर सामाजिक व धार्मिक संस्था दिशा सोसाइटी द्वारा देश के प्रख्यात कथावाचक बालव्यास भागवताचार्य आकाश जी शर्मा जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन 21-28 दिसंबर 2021 को कैलाश मठ विरदोपुर वाराणसी में आयोजित है। उक्त जानकारी दिशा सोसाइटी के अध्यक्ष अजीत पांडे बाबुल व कथा संयोजक मनोज मिश्रा मुन्ना ने कैलाश मठ में आयोजित पत्रकारों को संबोधित करते हुए संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कथा के प्रथम दिन 21 को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो सिद्धार्थ विहार कॉलोनी से होते हुए कैलाश मठ तक जाएगी। अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं दिशा सोसाइटी का सचिव अजीत पांडे। हम लोगों ने 21 दिसंबर 2021 को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है, जिसमें हमारे कथावाचक श्री बाल आकाश शर्मा जी कलकत्ता से आ रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग सुबह कलश यात्रा सिद्धार्थ विहार कॉलोनी से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रांगण कैलाश मठ में आके समाप्त कर रहे हैं। 21 तारीख से रोज 3 बजे अपराह्न 3 से 6:30 बजे तक कथा का आयोजन किया गया है और 28 तारीख को महायज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा काशी की जनता से विनम्र अनुरोध निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आ करके भागवत कथा का श्रवण लाभ ले सकें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पत्रकार संगठन प्रकाश प्रेस वार्ता है। आज जैसे भागवत कथा हो रहा है धरा सोसाइटी की तरफ से, और ये भागवत कथा है बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, इसको हर लोगों में जाना चाहिए कि सब लोग आए मिलकर सुने, इसका व्याख्यान करें, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। हम अनुरोध करेंगे काशी जनता सब लोग आवें, सुने और प्रसाद ग्रहण करें। भागवत कथा कहाँ पर और कितने बजे से शुरू होगा? कैलाश मठ में शुरू हो रहा है। कैलाश मठ स्थान है मामूरगंज विरदोपुर में, और 1 बजे से शुरू हो रहा है। और कब तक चलेगा कथा? 28 तक। कब तक चलेगा? 1 बजे से लेकर 6 बजे तक।